श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में सर्कुलर रोड के एक हिस्से के ढह जाने से एशिया चौक पर ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, जिसका हल अब निकल चुका है। बड़ी राहत एक सामने आई है और वो ये है कि आरटीओ रियासी कटरा म्युनिसिपैलिटी और पीडब्ल्यूडी विभाग ने सीआरपीएफ की मदद से एशिया चौक पर बड़ के पेड़ के साथ एक रास्ता बनाया है। सीआरपीएफ का एक बंकर वहां था, उसको वहां से हटाया गया और एक रास्ता बनाया गया जहां से लाइट मोटर व्हीकल्स अब आसानी से जो रियासी की तरफ से आ रही हैं वो कटरा शहर की तरफ जा रही हैं और जो जाम की स्थिति है अब उस पर खासा कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा आरटीओ रियासी ने बताया। मीडिया से बात करते हुए आरटीओ रियासी ने यह भी कहा कि जो समस्या थी एशिया चौक पर वो बड़े दिनों से बनी हुई थी ट्रैफिक की, लेकिन इसका हल जो है अब वो निकाला गया है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो हल निकाला गया है, ये जो रास्ता निकाला गया है सीआरपीएफ का बंकर हटाने के बाद, अब जो गाड़ियां हैं छोटी गाड़ियां हैं वो आसानी से कटरा शहर की तरफ जा रही हैं। यहाँ एशिया चौक में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर हमने सुबह एक ट्रायल बेसिस पे आज ये शुरू किया है कि छोटी गाड़ी जितनी भी LMB और मिनी बस को भी हमने निकालने की कोशिश की है, वो थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रही है, लेकिन जो स्मॉल व्हीकल है LMB जितनी भी हैं गाड़ी है, वो एक फ्लो में सिंपली जा रही है और जहाँ से जो रश जो भीड़ पड़ी लगी रहती थी वो कम नज़र आ रही है। हमने यहाँ पे एक बंकर था, CRPF के कमांडिंग ऑफिसर को बुलाया था और उन्होंने बंकर हमें बोला कि आप शिफ्ट करके ट्राई करके देख लीजिए, तो यहाँ से हमें काफ़ी फायदा नज़र आ रहा है। अभी देखो ये ऑटो आ रहे हैं, ये वन फ्लो में हमने डायरेक्शन दी हुई है तो यहाँ से सिंपली जा रहे हैं, तो यहाँ पे पब्लिक को काफ़ी जो है जाम में लगी रहती थी उनको काफ़ी फायदा नज़र आता है।